वीआईपी पार्टी के पांचवें स्थापना दिवस पर मुकेश सहनी पटना से मनेसर तक करेंगे रोड शो। इस रोड शो को लेकर के मुकेश सहनी ने कहा कि स्थापना दिवस है और संघर्ष करते हुए आज 5 साल पूरे हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कहा कि देखिए वह आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन बिहार के लोग बहुत समझदार है, वह इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आगे और भी कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, जरा सुनिए। स्थापना दिवस है, बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? पार्टी के सभी पदाधिकारी को शुभकामना देते हैं, पार्टी के जितने भी समर्थक हैं सभी को, देशवासी को शुभकामना देते हैं। 5 साल में हम लोगों ने संघर्ष किया और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाए हैं और पार्टी के पदाधिकारी सब आज कार्यक्रम रखे हैं। मनेर तक कार्यक्रम है, मनेर में सभा है और यहाँ से रोड शो करते हुए निषाद संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सभी को, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी सभी को शुभकामनाएं। और आगे आने वाले समय 2024 का चुनाव है, उस समय में आप निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी एक निर्णायक भूमिका बिहार में निभाने के लिए जा रही है। मजबूत है जो वो मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में अमित शाह आ रहे हैं 5 तारीख को, क्या लग रहा है कुछ बड़ी? देखिए बिहार में हमेशा हर किसी को स्वागत होता है और बिहार अगर आ रहे हैं तो उनको स्वागत करते हैं कि बिहार के धरती पर, लेकिन बिहार में निश्चित तौर पे बिहार के लोग काफ़ी चालाक हैं, समझदार होते हैं, तो किसी के झांसे में नहीं आएंगे और अपना काम करेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार में तो आपने देखा कि 2021 में जब बोछा में चुनाव हुआ तो उसमें आपको देखने के लिए मिला कि वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया था, उसी तरीके से मजबूत हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और पूरे बिहार में मजबूत है। और निश्चित तौर पर सभी को बिहार आने का अधिकार है और बिहार आए अपना प्रचार करें। क्या उम्मीद है कि अमित शाह आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।